आप यहाँ आना चाहते हो तो दिल दिमाग और शरीर से बहुत ही मजबूत होना पड़ेगा, तभी आपको परशुराम जी महादेव दर्शन देंगे, अन्यथा आप बीच रास्ते से अपनी यात्रा खत्म करके वापस जा सकते हैं। नमस्कार साथियों, मुरुंग दर्शन में आपका स्वागत है। मुरुंग दर्शन की टीम आज आपको लेके आई है अरावली की सुरमय पहाड़ियों में स्थित राजस्थान का अमरनाथ कहे जाने वाले परशुराम तीर्थ पे। परशुराम जी महाराज के बारे में ऐसी मान्यता है कि वह भगवान विष्णु के छठवें अवतार थे और उनके लिए उन्होंने है जो ये अरावली की पहाड़ियों में जो उनका प्रमुख स्थान है वहाँ पर ऐसा माना जाता है कि अपनी मातृहत्या के पाप से मुक्त होने के लिए यहाँ पर इन्होंने तपस्या करी थी और अपने फरसे से है जो पहाड़ियों के बीच में गुफा बनाकर वो उन्होंने तपस्या की और भगवान भोलेनाथ ने उनको सहपरिवार उनको दर्शन दिए थे। लेकिन उनके बावजूद भी है जो उनको पात्र जो मातृहत्या थी उनकी उनके पाप से मुक्त नहीं हो पाए, तो इसीलिए उन्होंने वहाँ से गुफा से कुछ नीचे की तरफ परशुराम महादेव जी का कुंड है वहाँ पर स्नान किया। उसके बाद में है जो भोलेनाथ जी ने उनकी जो मातृहत्या का पाप लगा था उनसे मुक्त किया और उसी के बाद में परशुराम जी है जो इस विश्व के अंदर परशुराम जी के नाम से प्रसिद्ध हुए। अभी हम मौजूद है फालना और सादरी के बीच राजपुरा गांव में जहां से परशुराम जी महादेव है जो 12 किलोमीटर की दूरी पर है और लेके चलते हैं आपके और करवाते हैं महादेव जी के दर्शन। जय भोले। परशुराम जी के दर्शन करने के लिए आपको अरावली के घने जंगल में टेढ़े मेढ़े रास्तों से होकर गुजरना पड़ेगा और बहुत ही ज़्यादा चढ़ाई वाला इलाका है, तो इसलिए उस रास्ते में आपको तेज गति से वाहन चलाकर सावधानी पूर्वक और जागरूकता के साथ चलना है। और जो जैसे ही आप परशुराम जी के मंदिर में पहुँचेंगे उससे पहले आपको एक पार्किंग बनी हुई मिल जाएगी, वहाँ अपनी गाड़ी खड़ी कर सकते हैं और वहाँ से आप है जो पैदल पैदल ट्रैकिंग करते हुए महादेव जी के दर्शन कर सकते हैं। इसी के साथ एक जरूरी चीज ये है कि अगर आपके पास पर्सनल व्हीकल नहीं है तो आप सादरी से 30 या 40 रुपए टैक्सी वाले लेते हैं, ऑटो वाले, उनको भी आप किराए पे एज ए सवारी बैठ के आप यहाँ तक आ सकते हैं और महादेव जी के दर्शन कर सकते हैं। परशुराम जी महादेव का जो मुख्य मेला है वो सावन शुक्ल एकादशी को इनका वार्षिक मेला भरता है 7 और 8 अगस्त के दिन, और इसके अलावा है जो अक्षय तृतीया के दिन है जो परशुराम जी की जयंती भी मनाई जाती है। सावन का महीना शुरू होते ही भोले के भक्त परशुराम जी के दर्शन करने के लिए उमड़ पड़ते हैं और जो आप यहाँ पर है एक छोटा सा मार्केट भी लगा हुआ है जहाँ पर आपको खरीदारी करने के लिए छोटी मोटी दुकानें मिल जाएगी। इसी के साथ वो प्रसाद के लिए भी आपको स्टॉल मिल जाएगी, साथ में है जो चाय और नाश्ते के लिए भी यहाँ पर छोटे ढाबे नुमा स्टॉल लगी है जहाँ पर आप अपनी जो पेट की अग्नि उसको शांत कर सकते हैं। जो आप ये कुंड देख रहे हैं जैसा कि मैंने बताया था पहले कि आपको कि परशुराम जी ने भगवान भोले की तपस्या की, लेकिन जब उनको अपने मातृहत्या के पाप से मुक्त नहीं हो पाए तो उन्होंने गुफा मंदिर से निकल के यहाँ पर ये कुंड है यहाँ पर उन्होंने स्नान किया था और इसी पवित्र कुंड में स्नान करने के बाद ही अपने मातृहत्या के पाप से मुक्त हुए थे। इसी चीज़ों को देखते हुए यहाँ से जो जो भी श्रद्धालुगण आते हैं वो पहले परशुराम जी के दर्शन करते हैं फिर इस कुंड में आके स्नान भी करते हैं और अपने साथ यहाँ का पवित्र जल बोतलों में भर के भी लेके जाते हैं।
इस पवित्र कुंड के पास ही आप एक ये नया और भव्य मंदिर देख रहे हैं भोलेनाथ का। और ऐसी मान्यता है कि परशुराम जी के पिता श्री महर्षि जगदीम है ऋषि, जो इसी क्षेत्र में पूजा करते थे और महादेव जी का मंदिर उन्हीं के द्वारा स्थापित किया गया था। इस नए मंदिर के पास ही अंदर की तरफ कुछ दूरी पर पुराना मंदिर भी है और वही वो मंदिर है और स्थान है जहाँ पर जगदीम ऋषि है जो महादेव की पूजा किया करते थे। कुंड से आगे चलते ही आपको दिखाई देगी सीधी और खड़ी सीढ़ियाँ, और इन जो दुर्गम सीढ़ियों को पार करते ही है जो आपको दिखाई देगा एक प्रतीक चिन्ह लगा हुआ है कि यहाँ से राजसमंद जिले की सीमा स्टार्ट होती है और पाली जिले की सीमा समाप्त होती है। इसका मतलब ये है कि जो कुंड मंदिर है वो पाली जिले की सीमा में आता है और जो मुख्य मंदिर है परशुराम जी का वो राजसमंद जिले के अंदर आता है। अभी चलते हैं आगे इन अरावली के पहाड़ों में, दुर्गम जो टेढ़ा मेढ़ा रोमांचक एक ये सफर है परशुराम जी का दर्शन करने का लेके चलते हैं। और आप देखोगे कि रास्ते में है जो भक्तगण जयकारे लगाते हुए अपनी थकान को भूलते हुए प्रभु के दर्शन के लिए चले जा रहे हैं। और जगह जगह है जो रास्ते में छोटी छोटी दुकानें बनी हुई है, जैसे आपको ये रिफ्रेश होने के लिए नींबू शिकंजी मिल जाएगी, चाय वगैरह की स्टॉल लगी हुई है जिससे कि भक्तगण को कोई असुविधा नहीं हो। और प्रशासन द्वारा भी बीच में है जो कुछ कुछ दूरी पर है जो सुरक्षा दीवार भी बनाई गई है और बैठने के लिए व्यवस्था भी की गई है। खतरनाक रास्तों से ट्रैकिंग करते हुए भी पहुंच चुके हैं अपन परशुराम महादेव मंदिर के गुफा के सामने की तरफ। अगर आप यहां आना चाहते हो तो दिल दिमाग और शरीर से बहुत ही मजबूत होना पड़ेगा, तभी आपको परशुराम जी महादेव दर्शन देंगे, अन्यथा बीच रास्ते से ही अपनी यात्रा खत्म करके वापस जा सकते हैं। जैसा आपने सुना ही होगा कि अरावली के कंकड़ कंकड़ में बसा है शंकर, पीछे आपको जयकारे की आवाज़ सुनाई दे रही होगी। और ये भक्ति की ही शक्ति है कि श्रद्धालु इतनी दूर से दुर्गम यात्रा करने के बाद भी पूरे जोश शोर से भगवान श्री महादेव के भोले के जयकारे लगा रहे हैं और अपनी श्रद्धा को प्रकट कर रहे हैं। अभी हम करीब 3 किलोमीटर की पैदल यात्रा करके हम यहाँ भोले के दर्शन के लिए पहुँचे हैं। परशुराम महादेव गुफा तक आने के लिए दो रास्ते हैं, जो एक तो फालना से सादड़ी होते हुए आ सकते हैं ट्रैकिंग करते हुए, और जो दूसरा रास्ता आप देख पा रहे होंगे मेवाड़ की तरफ से यानी राजसमंद है जो कुंभलगढ़ किले के पास में एक फूटी देवल करके स्थान है, वहां से आप सीढ़ियों के माध्यम से भी सीधा आ सकते हैं। और मैं कहना चाहूंगा मेरी जो पर्सनल जो इच्छा उसके हिसाब से कि आपको उसी रास्ते से आना चाहिए,
कि वो ज्यादा अच्छा है और आपको ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी भोले के दर्शन में। परशुराम जी महादेव की जो ये गुफा है वो अरावली की पहाड़ी में लगभग 3600 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, जहां परशुराम जी महादेव जी ने अपनी तपस्या करी थी। और ये जो गुफा मंदिर है इसके अंदर स्वयंभू शिवलिंग बना है, जहां पर निरंतर प्राकृतिक रूप से जलधारा चलती रहती है और शिवलिंग का जलाभिषेक होता रहता है। इस शिवलिंग की जो विशेष बात यह है कि इस शिवलिंग में एक छेद है जिसमें आप हजारों घड़े पानी डाल दो लेकिन वो छेद कभी भी नहीं भरता। कहा जाता है कि ये जल है जो नीचे जो परशुराम जी का कुंड है वहां तक जाता है। ऐसी मान्यता है कि हिमालय में विराजमान बद्रीनाथ जी जो महादेव है उनका मंदिर, उस मंदिर के कपाट है जो वही व्यक्ति खोल सकता है जिसने अपने जीवन में परशुराम जी महादेव के दर्शन कर रखे। परशुराम महादेव जी की जय हो। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। बोलो रे साथिया अमृत वाणी। हर